आ गई हूँ प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से जाएंगे हम बुक फेयर लगा हुआ है वहाँ पे। तो अभी अंश के पापा जो है वो टिकट ले रहे हैं, फिर मैं मिल हम फिर हम मिलते हैं प्रगति मैदान जहाँ पे बुक फेयर लगा है वहाँ। वेलकम टू बुक फेयर, यहाँ हम आ गए हैं। और यहाँ पे आते ही अंश अपने बुक्स को देखने भाग गया था, अपनी कॉमिक्स जो पसंद आ रही है बुक्स देखने भाग गया था। अलग स्टॉल लगे हुए थे, हस्बैंड अपने बुक्स को देख रहे थे और मैं यहाँ अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी। और कुछ इस तरह से स्टॉल लगे हुए थे, प्रिंटेड टी शर्ट्स और बैच वगैरह भी मिल रहे थे, काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर्स भी मिल रहे थे। और हम लोगों ने बुक्स खरीदी भी हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन सी बुक्स हैं। ये कलाम की टी शर्ट टंगी हुई है, मैंने जो सूट पहना था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे एक पिक डाल दूंगी सूट का बगल में, आप बताइएगा कमेंट करके कि वो सूट आपको कैसा लगता है। और एक ये क्यूट सा कार्टून था, क्या था पता नहीं, और बच्चे इसे देख के बहुत खुश हो रहे थे, इसे हाथ मिलाने की कोशिश कर। आज डेट है 13 जनवरी, और आज यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बादल लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो जो वीडियो कल का था उसका एंड मैं आज करूँगी, मतलब संडे का वीडियो था 12 जनवरी का, उसका एंड मैं आज करूँगी क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे। मैं आई थी घर पे 7 बजे शाम को, और आते ही मैं काम पे लगी कि काम तो करना ही पड़ेगा। कल मैंने रूटीन वर्क कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाया था और क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था, बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप लोग तो अपने हो, बताने में ऐसे कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि मैं सुबह सुबह नाश्ता बना के नहा धो के रेडी होके चली गई थी, तो सफाइयों का टाइम कुछ भी नहीं मिला था। बस मैंने घर को थोड़ा सा था कि बेड वगैरह ठीक कर दिया था, कमरा थोड़ा हॉल और पूजा वाला रूम ये सब सही कर दिया था। हाँ, जहाँ तक पूजा रूम की सफाई है तो वो मैं ज़रूर करती हूँ, आपको ये भी मैंने बता रखा था, तो इसलिए मैंने वो कर दिया था। और देखो मैंने ये वाले कान के पहने थे, ये वाले, ये, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये देखो, हाँ ये वाले, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने कल पहने थे। और इस कान में जो पहना था मैंने, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा था, तो वो मैंने निकाल के नींद में ही मैंने निकाल के रख दिया था। तो 7 बजे आने के बाद सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धोया, और उसके बाद चाय चढ़ाई। चाय चढ़ाने के बाद मैंने बनाई थी खिचड़ी, कुछ भी अच्छा ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खास बनाया हो, कुछ भी खास नहीं बनाया था। वैसे बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ आदमी खाता ही रहता है, तो ऐसा कुछ भी मेरा मन नहीं था। और दूसरी चीज़ ये मेन, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, सिर्फ सिंपल खिचड़ी, और पापड़ वगैरह भून दिया था, सलाद काट दिया था। अंश ने खाना रात में नहीं खाया था, उसे मैंने हल्दी वाला दूध दिया था, मैंने और इन्होंने खिचड़ी ही खाई थी। और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह किया, रात को क्लीनिंग की किचन की, और मैं सो गई थी। और सुबह उठी हूँ मैं आज, हाँ 7 बजे उठी हूँ, क्योंकि अंश को स्कूल जाना नहीं होता है, अंश के पापा को ऑफिस जाना होता है, तो उनके लिए सुबह सुबह नाश्ता बनता है, क्योंकि अंश बिल्कुल सुबह सुबह नाश्ता नहीं करता है, वो मॉर्निंग में दूध बिस्किट या कुछ दूध के संग कुछ छोटी मोटी ऐसे कुछ हल्का फुल्का ले लेता है। और मैं मॉर्निंग में सिर्फ चाय पीती हूँ, पहले गुनगुना पानी पीती हूँ फिर चाय पीती हूँ। तो अंश के पापा के लिए नाश्ता बनता है और उनका टिफ़िन पैक होता है। नाश्ता बनने का मतलब बनता तो सबके लिए है, लेकिन रोटी पराठा जो बनता है वो उस टाइम पे उनके लिए ही बनता है। फिर मैं आती हूँ, अपना जो बिस्तर वगैरह ठीक करने का काम होता है वो करती हूँ, और उसके बाद फिर अंश को जगाती हूँ। तो बस ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और आज से ही मैं दूसरा ब्लॉग शुरू कर दूँगी। तो फिर देखते रहिए आप मेरी अगली वीडियो को भी, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो। और कल हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।